सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदय ने जो बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह बहुत ही बुद्धिमानी के साथ तैयार किया हुआ बजट है। उन्होंने कोशिश यह की है कि अमीर और गरीब कोई भी कर से बच न पाए, लेकिन उन्होंने उद्योगपतियों को थोड़ी सी छूट भी दी है। जो बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं उनको कर से कुछ मुक्त किया है, कुछ सुविधाएं दी हैं। मैं नहीं समझ पाया हूं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। वह जो चाहेंगे उसको करेंगे, लेकिन मैं भी जो सोचता हूं उसको आपके सामने रखना चाहता हूं। इस विषय पर 3-4 दिन से चर्चा हो रही है। मैंने उसको सुना है उस या इस पक्ष के किसी भी माननीय सदस्य ने यह निवेदन नहीं किया है कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर जो कर लगाया गया है वह उचित है। सभी ने यह कहा है कि उसको माफ़ कर दिया जाना चाहिए। जब सारे सदन के लोग, सभी प्रतिनिधि एक आवाज़ से कहते हैं कि खाद और पंपिंग सेट के ऊपर कर न लगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उनको इस बात को मान लेना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं की जानी चाहिए जिससे किसान रुष्ट हों, उनके उत्पादन में बाधा पड़े। भारत गाँव में बसता है, 80% लोग गाँव में रहते हैं। हम गांधी जी के विचारों का अनुपालन करते हैं। गांधी जी ने जो कुछ भी कहा गांव के लोगों के लिए कहा, ग्रामीण जनता के लिए कहा। उन्होंने गांव के लोगों को उठाने की बात कही। कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों के रहने वाले लोगों की ही उन्नति हो और गांव में रहने वालों की न हो, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। वित्त मंत्री महोदय भी गांधी जी का शिष्य अपने आप को कहते हैं और उनका रूप अपने में रूप में देखते हैं और वह है भी। इसलिए उनका यह कर्तव्य होना चाहिए कि गांधी जी के विचारों के अनुसार वह सारे देश में मद्य निषेध को कार्यान्वित करे। क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है, इसलिए वह पशुधन को बढ़ाएं, उन्नति की व्यवस्था करे और सारे देश में गोवध को बंद कर दे। सरकार ने यह संकल्प लिया है कि हिंदुस्तान में समाजवादी समाज और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस समय देश में आर्थिक विषमता है,